आदाब और सत श्री अकाल मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है कवि दरबार। आइए दोस्तों, कवि दरबार में हम हास्य है, व्यंग है, ओज है, करुण है और श्रृंगार है। और इस विशेष कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे धारा 377 और मीटू पर। तो मीटू पर बात करने के लिए कविताओं की फुलझड़ियां लेकर हमारे साथ जो तीन मेहमान आज कवि दरबार में आए हैं, आइए मैं उनसे आपका परिचय करवाता हूँ। सबसे पहले हमारे बिल्कुल ठीक पास में जो बैठे हैं, नाम होता है इनका कैलाश सोनी सार्थक, नागदा मध्य प्रदेश से आते हैं और हास्य व्यंग की वो चुटीली बातें करते हैं। आज हम इन्हें सुनेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कैलाश सोनी सार्थक जी का। उनके ठीक पास में एक ऐसा कवि जिसका मिथिला से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नाम मिथिलेश है, मिथुन मिथिलेश ब्यावरा से हमारे बीच है। पेरोडी का एक बहुत अच्छा स्वर है, आज हम उन्हें भी सुनेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मिथुन मिथिलेश जी का। और उनके ठीक पास में मैं क्या उनका परिचय दूं, ना तो मैं, मेरा उतना कद है ना मेरी औकात है उनका परिचय करवाने की। पंडित अशोक नागर, हिंदी काव्य मंचों का की जो पारंपरिक विधा है, मंचों की जो विधा है, उस विधा के एक ऐसे बड़े कवि जिनको पढ़कर, जिनको सुनकर हमने कविताएं लिखना सीखा, आज उनका हम स्वागत करेंगे। पंडित अशोक नागर साजापुर से हमारे बीच हैं और आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर और सुरीली कविताओं के लिए मैं आवाज देना चाहता हूं कैलाश सोनी सार्थक जो नागदा से हमारे बीच हैं। आइए सोनी जी, स्वागत है आप। भास्कर न्यूज के साहित्यिक का आयोजन कवि दरबार के सभी आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। निसंदेह यह आयोजन साहित्य का एक अनूठा अनुष्ठान है, सतत चलता रहे दुआ करता हूँ। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। स्वागत स्वागत आप सभी का ध्यान चाहूंगा कि अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो क्या हो तुम। आए है क्या बात है, अपनी भाषा का ज्ञान नहीं तो क्या हो तुम, बुजुर्गों का सम्मान नहीं तो क्या हो तुम। वाह 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 वाह, वो इस धरती पर जन्म लिया सौगात बड़ी, मन में हिंदुस्तान नहीं तो क्या होता है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूब। अभी मीटू की बात चली साहब, मीटू एक ऐसा विषय आया जिसे देखो टेंशन में आदमी, मैं सच बता रहा हूँ, आदमी वो घबराने निकलने लग गया यार, सोचने लग गया क्या मालूम कौन सी औरत या कौन सी हसीना आके बोलने लग गया कि मीटू ये मेरा पुराना कोई माथा पड़ी है, तो डरने लग गया वो। तो एक आया मेरे पास, मेरे से बोला, बोले भाई साहब एक बात बताओ, ये मीटू है क्या? तो मैंने एक पेरोडी उसको सुनाई, आपका ध्यान चाहूंगा पेरोडी पे। मैंने उससे कहा कि मीटू 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 मीटू, ये मीटू मीटू क्या है, ये मीटू 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 का मतलब जवानी के पाप, जवानी के पाप, छेड़कात की थी तूने तन पे छोड़ी छाप, जब कोई हसीना आएगी तूने छेड़ा था बतलाएगी, जब नाम तेरा दिखलाएगी बदनाम तुझे कर जाएगी, तेरी इच्छा होगी माथा पीटू मिटू 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 मिटू। वो समझ के चले गया साहब। अच्छा माहौल बड़े अजीब हो जाते हैं, तो सच बता रहा हूँ आपको, आजकल देश के अंदर राजनीति का एक ऐसा माहौल है चुनाव का, यहाँ पर दोनों सारी पार्टियां चाहती है कि अपना कुछ ना कुछ ऐसा हो कि पार्टी जीते। अच्छा हमारे एक पप्पू जी है, वो एक पप्पू जी जो है उनका बड़ा अजीब हाल है। हाँ। एक पेरोडी आपको सुना रहा हूँ साहब। क्या बात। वो एक बार मेरे पास आया और मेरे से आके बोले भैया एक बात बताओ, एक समाधान निकालना है। बोलो क्या? बोले मैं सीएम बनूंगा कि पीएम बनूंगा, कुछ तो बताओ। और जगत प्रसिद्ध पप्पू मेरे पास आया, मैंने कहा सुनो। हाँ। मैंने समाधान निकाल के दिया। क्या बात। और आपका ध्यान चाहूंगा कि ना सीएम बनेगा न तू पीएम बनेगा, तू पप्पू बन के आया है पप्पू ही रहेगा, न सीएम बनेगा न तू पीएम बनेगा, तू पप्पू बन के आया है पप्पू ही रहेगा। अच्छा मैंने क्या कहा उसे, किसी पद पे काम कर सके किस्मत में नहीं है, किस्मत में तेरी मक्खन घी नहीं छाछ दही है, तू जो भी बात बोलेगा संसार हंसेगा, तू पप्पू बन के आया है पप्पू ही रहेगा। बड़े टेंशन में होते साहब। अच्छा आजकल माहौल क्या हमारे देश का, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आज हमारा देश कहाँ से शुरू हुआ था और क्या हुआ, एक पेरोडी साहब का ध्यान चाहूंगा। स्वागत स्वागत। हमारा देश कहाँ पहुंचा,
कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, रोज नए घोटालों की लिखते नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, रोज नए घोटालों की मिल लिखते नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम क्या करते हैं कि लालच और मतलब से रिश्ता जोड़ चुके हैं, हम ईमान के सारे मटके फोड़ चुके हैं, रिश्वत भ्रष्टाचार में हमने नाम कमाया, कीर्तिमान बेईमानी के सारे तोड़ चुके हैं, अरे लूट रहे हैं वतन को जैसे हम हैं पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बड़ा अजीब माहौल है साहब, से बता रहे हो मैं आप, वो संस्कार और संस्कृति ऐसी हो गई साहब। आज का ये दौर चल रहा है, इस दौर के अंदर जो है 8 पंक्तियां मैं वो पढ़ना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि संस्कार कहाँ पहुंचे। स्वागत, स्वागत के गंदे गाने रट लिए, आज के माहौल आज की पीढ़ी की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि गंदे गाने रट लिए, गीता रामायण याद नहीं, सलमान शाहरुख सब याद रखे, नर और नारायण याद नहीं, नग्नता प्यारी लगती हमें, शर्म हया अब याद नहीं, और खून की होली खेल रहे हम, धर्म दया अब याद नहीं। अंतिम दो पंक्तियों पर आप सभी का आशीर्वाद चाहूंगा कि खून की होली खेल रहे हम, धर्म दया अब याद नहीं, और वो घर दूर से प्यारा लगता है पर अंदर से आबाद नहीं, जहाँ सबका जन्मदिन याद है पर बाप की बरसी याद नहीं, पर बाप की बरसी याद नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ऐसा क्यों हुआ साहब, आजकल ऐसा क्यों हुआ, एक पेड़ी का बंद पढ़ना चाहूंगा मैं आपके सामने, ऐसा क्यों हो रहा है कि नए नए रंगों में डूबे मानव के अरमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, नकली चीजों पे रीझा मानव, असल ने कोई पहचान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अच्छा कैसे बदला, कि फेसबुक का आया जमाना, व्हाट्सएप का हर कोई दीवाना, वो एक आज के जमाने की लड़की ने एक लड़के को मैसेज करा कि प्यार करते हो सच्चा तो एक बात सुन लो, मैं शादी कर रही हूँ, दूसरी लड़की चुन लो। वो लड़की भी, लड़का भी बहुत तेज था, उसने तुरंत मैसेज करा कि ना तेरे आने की खुशी थी, ना तेरे जाने का गम, जा बहना खुश रहना, दूसरी पर डालेंगे हम। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, व्हाट्सएप और फेसबुक का बड़ा अजीब माहौल है। वाह वाह। अच्छा घरवाली से मेरा झगड़ा हो गया, तो घरवाली को मैंने मैसेज करा, सही बोल रहा हूँ मैं आपको, कि अपनों ने हमें लूटा, घेरों में कहा दम था, मेरी बस्ती वहाँ डूबी जा, पानी कम था, मेरी घरवाली बहुत तेज थी, मेरी बाप निकली उन्हें मैसेज करा कि तुम तो शुरू से गधे थे, तुम्हारे भेजे में कहा दम था, वहाँ कश्ती को लेके जा, पानी कम था। सही बोल रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज के चक्कर हो गया। तब कहने की कोशिश की मैंने कि फेसबुक का आया जमाना, व्हाट्सएप का हर कोई दीवाना, वो चैटिंग कर चलती है बातें, बड़ी बड़ी इसकी करामातें, अरे जिसको देखो लगा इसमें भूले जग के विधान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अच्छा क्यों बदला, के बड़े बड़े मोबाइल आए, हर पीढ़ी के मन को भाए, कोई 50-55 साल के डोकरा डोकरी साहब एक मोबाइल लिया है, उनको चलाते तो आया नहीं, और उन्होंने क्या हुआ कि रात को कहीं मैसेज आया, उसमें लिखा था, डोकरे ने देखा ब्यूटीफुल लिखा हुआ था, उसको टेंशन हो गया, उसने घरवाली को उठाया, उठा के बोला ये कांता, ये देख तो रात को घर को ब्यूटीफुल बोल रही है, वो टेंशन में आ गई, उनने चश्मा लगाया डोकरी ने, कह रात परेशान करो, उनने मोबाइल देखा, कहे तुम्हारा दिमाग खराब है, ये बैटरी फुल नहीं ली, ये ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखी है। तो मोबाइल ने ऐसी हालत कर दी, तब कहने की कोशिश की मैंने कि बड़े बड़े मोबाइल आए, हर पीढ़ी के मन को भाई, और इंटरनेट ने धूम मचाई, भली बुरी चीजें दिखलाई, अरे छोरा छोरी लगे इसमें भूले जग के विधान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, नए नए रंगों में डूबे मानव के अरमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया, कितना बदल गया इंसान। छोटी छोटी सी हास्य की बातों में, और सोनी जी ने जहाँ तक इस कवि सम्मेलन को, जिस ऊंचाई तक इस कार्यक्रम को पहुंचाया है, वाकई में अपने हास्य व्यंग्य के माध्यम से बड़ी गहरी बातें कर दी साहब।